हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। आज का हमारा क्वेश्चन है, इफ एन फैक्टोरियल प्लस एन इक्वल टू एन स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ एन इज, और आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं 5, 7, 3, 0। तो हमें एन की वैल्यू निकालनी है जी, और गिवन कंडीशन ये है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले ये एन फैक्टोरियल है, इसका मतलब क्या होता है? एन फैक्टोरियल का मतलब हुआ कि मुझे क्या करना है, एक से लेते हुए और जो कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, ऐसे करके प्रोडक्ट करता जाऊँ, कहाँ तक? जब तक मेरे को एन ना मिले। जैसे यहाँ पे अगर 5 का फैक्टोरियल बोल रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक से लेके मल्टीप्लाई करते जाना है, कहाँ तक? 5 तक। तो एन फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। अब यहाँ पे देखिए, जो ये कंडीशन है, ये जो गिवन कंडीशन है, ये एन की किस वैल्यू के लिए फुलफिल होती है, हमें ये पता करना है। ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, या तो आप ऑप्शन में से प्रत्येक ऑप्शन रख के चेक कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि हम ऑप्शन में से रखें और फिर चेक करते जाएं। दूसरा तरीका ये हो सकता है, हम इसको थोड़ा सिंपलीफाई करें, क्या पता हमें उससे मिल जाए, या थोड़ा और सिंपलीफाई होगा तो फिर ऑप्शन से भी चेक करना थोड़ा आसान होगा। देखते हैं कैसे। अब यहाँ पे देखिए, एन फैक्टोरियल प्लस एन है, तो मैं इस एन फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ, एन फैक्टोरियल को क्या लिखा जा सकता है? यहाँ पे ये देख रखो, ये हमने ये लिखा है, तो इससे जस्ट पहले वाली टर्म क्या रही होगी इसमें? इससे जस्ट पहले क्या रही होगी? एन माइनस वन रही होगी। यहाँ पे देखो, 3 है, 3 से जस्ट पहले कौन सी टर्म है? 3 माइनस 1 2 है ना, तो यहाँ पे एन से पहले कौन सी होगी? एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो मैं इस एन के फैक्टोरियल को यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, अगर लिखना चाहूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल। अगर मैं यहाँ पे भी लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था, एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल। एन माइनस वन का फैक्टोरियल है कि एक से लेके एन माइनस वन तक मल्टीप्लाई करना। तो इस पूरे के पूरे इतने को मैंने एन माइनस वन का फैक्टोरियल लिख दिया, और ये एन मल्टीप्लाई किया। तो एन फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखा जा सकता है बिल्कुल, ये इस प्रकार से कि एन माइनस वन का फैक्टोरियल लिख दिया ये इतने को इंटू एन। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, प्लस एन, प्लस एन ये ऊपर वाली चीज़ है, ठीक है, इक्वल टू एन स्क्वायर। अब देखिए, इन दोनों टर्म्स में से यहाँ पे पहली और ये दूसरी, इनमें से एन कॉमन आ सकता है, तो कॉमन ले लिया एन, तो यहाँ पे क्या बचा अंदर, क्या बचा एन अंदर, बचा हमारा एन माइनस वन का फैक्टोरियल इस वाले में, और इस वाले में क्या बचा, 1 बराबर एन स्क्वायर। यहाँ से एन इधर जाएगा, तो एन से एन डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा मेरा, एन माइनस वन का फैक्टोरियल प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर को एन से डिवाइड करना है, राइट हैंड साइड में जाएगा, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या बचेगा, एन बचेगा। अब यहाँ पे देखिए, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एन माइनस वन का फैक्टोरियल, ये 1 इधर चलाएगा, तो ये ऐसे लिखा जा सकता है एन माइनस वन, और एन माइनस वन के फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू का फैक्टोरियल इक्वल टू क्या हो गया, एन माइनस वन। और यहाँ पे एन माइनस वन से एन माइनस वन कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, एन माइनस टू का फैक्टोरियल बराबर क्या बचाएगा, 1। तो अब देखो, एन माइनस टू का फैक्टोरियल 1 दे रहा है, तो किसी 1 कब मिलेगा, किसी का भी फैक्टोरियल करने पे 1 कब मिल सकता है? दो कंडीशन पॉसिबल है, एक तो 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, और एक क्या होता है, 1 का फैक्टोरियल भी क्या होता है, 1 होता है। तो अब ये एन माइनस टू या तो 0 होगा या तो 1 होगा। अगर मैं एन माइनस टू बराबर 0 पुट करता हूँ, तो मुझे क्या मिला, एन की वैल्यू इधर गया, ये एन बराबर क्या मिला, प्लस का 2 मिला। और अगर मैं एन माइनस टू बराबर 1 पुट करता हूँ, तो यहाँ से मेरे को क्या मिला, एन बराबर क्या मिला, 2 इधर गया, तो 1 धन 2 कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये दोनों की दोनों जो वैल्यू हैं, ये इस कंडीशन को फुलफिल करेंगी, एन फैक्टोरियल प्लस एन इक्वल टू एन स्क्वायर देंगी, जब हमारे पास एन की वैल्यू क्या होगा, 2 या 3। तो ऑप्शन में तो 3 ही है, तो ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। आप लोग चेक करके भी देख सकते हो, जैसे हम एन बराबर 3 हमारा दे ही रखा है, तो इसी के लिए चेक करके देखते हैं। जैसे ये 3 फैक्टोरियल एन की वैल्यू रख के देखी, प्लस 3 बराबर कितना होगा, 3 स्क्वायर होता है, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, एक से लेके 3 तक मल्टीप्लाई करो, तो 1 गुणा गया 2 गुणा गया 3 धन 3 बराबर 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया, 1 2 2 3 6 6 धन 3 बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो 6 3 कितना होता है, 9, 9 बराबर 9। तो आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, आ रहा है, कंडीशन फुलफिल हो रही है।
इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। दो रख के भी देखोगे तब भी कंडीशन फुलफिल होगी। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आजकल इतना आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहे मस्त रहे, धन्यवाद।